हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है आलू टमाटर की सब्जी। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी ये बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। उनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च जिनको काट लिया है, और यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, इनको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। और अब मैं इसमें जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद मैं इसमें करी पत्ता डालूँगी, थोड़ा सा ये भुन जाए जीरा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया। मैं इस पर प्याज हरी मिर्च डालूँगी, और प्याज हरी मिर्च के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए प्याज हो चुकी है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो टमाटर प्याज को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट मैं इसमें नमक डालूँगी ताकि टमाटर जल्दी से घुल जाए। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से इनको भून लेंगे मसालों को। अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं इसमें प्याज और टमाटर के मसाले में ऐड करूँगी। तो मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ। मिर्च मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इनको भून लूँगी। ये देखिए मसाला भुन चुका है, ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से भुन चुका है मसाला। अब मैंने एक बर्तन में पानी गरम करने के लिए रख दिया है। ये हम पानी सब्जी में ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनती है और सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मसाला भुन चुका है, अब मैं इसमें जो बॉईल किए हुए आलू रखे थे उनको ऐड कर दूँगी और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाले में अच्छे से कोट हो जाने चाहिए, आलू अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले और आलू मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो बॉईल किया हुआ पानी डाला रखा था उसको ऐड करूँगी और अच्छे से इन सभी चीज़ों को मैं फिर से एक बार अच्छे से मिला लूँगी। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब तक बॉईल आता है हम इसको ढककर पकाएंगे। तो ये देखिए बॉईल आना शुरू हो चुका है। ये देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आलू की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।